आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी, हर खबर देश हित में। नालसा क्षेत्र में अवैध शराब के विक्रय और परिवहन को लेकर जयस ने मोर्चा खोल दिया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जयस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब का परिवहन और विक्रय बड़ी मात्रा में हो रहा है। पुलिस प्रशासन को शिकायत की गई, आबकारी को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्षेत्र के आदिवासी गरीब अनाज बेचकर शराब पी जाते और आए दिन परिवार में झगड़ा होता है, जिसके कारण बच्चे और महिलाएं परेशान हो रहे। पुलिस को सूचना दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर जयस के कार्यकर्ताओं के द्वारा अवैध शराब के परिवहन को लेकर मोर्चा खोला और गाड़ियों को रुकवा कर उनसे आग्रह किया कि अवैध शराब न भेजे। पुलिस को सूचना दी गई लेकिन नालसा थाना पुलिस अवैध शराब पर कार्रवाई करने के बजाय जयस के कार्यकर्ताओं को ही धमकाने पर लग गई है और कहा कि किसी प्रकरण में फंस जाओगे तो जवाबदारी खुद की रहेगी, पुलिस को जिम्मेदार ना समझें। जयस के ब्लॉक अध्यक्ष में पत्रकार वार्ता में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए और एसपी से मांग की कि अवैध शराब के परिवहन विक्रय पर पुलिस को निर्देशित कर उचित कार्रवाई करवाए। बकरी का ठेका था, खराब निकल चुकी गाड़ियाँ कल जो गाड़ी पकड़ी थी खराब थी सर, बाइक की थी 3 पेटी और हमने जो फोर व्हीलर गाड़ी पकड़ी थी उसमें से धार से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए अमर वर्मा की रिपोर्ट।